एक और ट्रांसफार्मर लगने वाला है जो कि अंडर प्रोसेस है। इसके अलावा जो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन आती है वो चिनैनी श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन आती है। यहाँ के 2 यार्ड्स यहाँ पे बने हुए हैं, 132 kV इस तरफ में है और 33 kV यार्ड इस तरफ में है। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मीरमांस न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। आज का ये व्लॉग हो रहा है हमारे स्कूल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स के साथ। ये है हमारे सूरज सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी जस्ट व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, हम एक इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जा रहे हैं और साथ में मैं इसको कहूँगा विजिट कम पिकनिक, क्योंकि पिकनिक भी ऐसे ही हो जाएगी। तो जस्ट व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, पीछे बसेस एक दो हमारे साथ हैं जो वोकेशनल सब्जेक्ट के जो भी स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स वगैरह साहिबान प्रिंसिपल सर भी हमारे साथ हैं। ये व्हीकल लगी हुई है तो आगे हम व्लॉग में बहुत सारा कुछ करने वाले हैं। जस्ट अभी स्टार्ट हो रहा है तो व्लॉग में बने रहिएगा। ये हैं प्रिंसिपल सर एंड सूरज सर, ये कह रहे हैं हमारे साथ बैठो लेकिन इसमें इंजॉय नहीं होगा, इसलिए मैं इन बच्चे वाली गाड़ी के साथ जाऊँगा। ये आप देख सकते हैं ये 2 व्हीकल्स हैं, एक बॉयज़ के लिए एक गर्ल्स के लिए। तो चलते हैं, साथ में ही आपको मैं थोड़ा सा यहाँ का व्यू बता देता हूँ मॉर्निंग में किस तरह का व्यू है। ये क्रालची हाल है, सामने मस्जिद जो है और हम जमलवास में हैं। यहाँ का व्यू कुछ खास आने वाला नहीं है। ये है आकिब जो कि हमारी परेड कमांड कर रहा था। बता भाई कैसा फील कर रहा है सुबह सुबह? अच्छा ही फील कर रहा हूँ सर, बेहतरीन है। और आयान खान क्या कुछ हो रहा है? पिकनिक जाने की तैयारी हो रही है। पिकनिक है या विजिट है? विजिट, इंडस्ट्रियल टूर। एक किस्म से सर ये पिकनिक ही हुआ। हाँ, एक किस्म से पिकनिक ही हो सकता है। तो चलो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, अभी जस्ट स्टार्टिंग है मॉर्निंग के विजुअल्स आपके साथ। देखते हैं बच्चे लोग क्या करते हैं। बच्चे लोगों क्या हाल चाल है तुम्हारे? बस बढ़िया। यहाँ से जस्ट अभी हम निकले हैं, दुआएं सफर जरूरी पड़ते हैं। अभी हमने अपना सफ़र जो है यहाँ से शुरू कर दिया है, आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। चमलवास का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वो थोड़ा रोड से हटके है, उसको मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, इन फ्यूचर ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। तो ये रोड जो है तकरीबन हाईवे से 4 से 5 किलोमीटर दूर है जहाँ तक स्कूल आता है, और फिर आपको जैसे पता ही है कि ये रोड नील वैली की तरफ जाती है। अभी हम पहुँचने वाले हैं 4 लाइन के ऊपर, नीचे आपको दिख रहा होगा। तो जी लीजिए, 4 लाइन के ऊपर हम यहाँ टर्न लेके बानीहाल की तरफ मुड़ चुके हैं। एज यू नो आज का जो सीज़न है वो नोमैड्स की नकलो हमल का है, तो यहाँ पे हमें नोमैड्स का एक फ्लॉक जो है शीप्स एंड गोट्स का हमारे सामने गुजरता हुआ, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में यहाँ, और काफ़ी अच्छा लगता है यार ये जब भी यहाँ से गुजरते हैं रोड से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनका वीडियो बना के आपको दिखाऊँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पर्सनली। आप लोगों को कैसा लगता है जब भी आप ये देखते हैं? हालांकि ट्रैफिक जैमिंग इनकी वजह से होती है लेकिन इनका ये अपना ही लाइफस्टाइल है, मज़ेदार है भाई एकदम। अभी बानीहाल की मैन मार्केट में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बच्चे लोग उतर चुके हैं क्योंकि इधर से अंदर ग्रिड स्टेशन है, और ग्रिड स्टेशन इनको विज़िट करवाते हैं क्योंकि इसमें जो कुछ बच्चे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर के हैं और दूसरे रिटेल के हैं, जो 2 यहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं हमारे स्कूल के अंदर। तो बच्चे इधर पे उतर चुके हैं, अभी हम इनको अंदर ले जाएंगे विज़िट के लिए। ये ग्रिड स्टेशन के अंदर हम आ चुके हैं और स्टूडेंट्स को हम अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, इन्हें ये पूरा विज़िट करवाएंगे और यहाँ इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे कि किस तरह से इसका वर्क जो होता है। तो ये बच्चे लोग हमारे साथ हैं, 10th, 11th and 12th class के बच्चे हैं जो कि इंडस्ट्रियल विज़िट के लिए ग्रिड स्टेशन बानीहाल का पठार एरिया है। ये ट्रांसमिशन लाइन उस तरफ से आ रही है इस ग्रिड के लिए, और इधर पर आपको मैं दिखा सकता हूँ ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि एक ही नंबर में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 2 यार्ड्स यहाँ पे बने हुए हैं, 132 kV इस तरफ में है और
33 केवी यार्ड इस तरफ में है, ये देख लें आप। इस तरफ में जो है कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है। पहले यहाँ पे गर्ल्स के दो ग्रुप्स आए और अब बॉयज का ग्रुप यहाँ पे आया है। इन लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से ये फंक्शन करते हैं, यहाँ पर पावर का कट किस तरह से कब दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इनको सिखाई गई। जो यहाँ पे आपको ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है स्टेप अप, यहाँ पे फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इनके कहने के मुताबिक यहाँ पे एक और ट्रांसफार्मर लगने वाला है जो कि अंडर प्रोसेस है। इसके अलावा जो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन आती है वो चिनैनी श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन आती है यहाँ के लिए, और जो इधर ऊपर से आपको एक ट्रांसमिशन गुजरती हुई दिख रही है इसे किशनपुर पामपुर ट्रांसमिशन लाइन के नाम से जाना जाता है जो कि कश्मीर वैली की तरफ जाती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी ग्रिड स्टेशन होते हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, मीन्स यहाँ से रामबन से चिनैनी और इधर से आगे देखा जाए तो मीर बाज़र और फिर वहाँ से आगे पटन तक ये इसी तरह से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं सारे के सारे ही। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी इधर अंदर जो है कंट्रोल यूनिट इनका है, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया है 2 अक्टूबर 2009 में। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव है, बाकी लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सो हमारे सूरज सर कैसा लगा यहाँ का विजिट? ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा यहाँ पे और अच्छा लगा यहाँ पे आके। सर अभी हमें और कहाँ जाना है वैसे? अभी हमें अनंतनाग चलते हैं सर। हाँ ठीक है, ओके। तो ये है मेरे साथ दो चार स्टूडेंट्स, ये 10th के फैसल और ये है आकिब। आकिब कैसा रहा यहाँ का? बहुत अच्छा रहा, हमें जो चीज़ें पहले पता नहीं थी वो आज हमें यहाँ आके पता चल सकी। फैसल जी यहाँ पे हमें ये देखने को मिला जो यहाँ पे पूरे तहसील बानीहाल में जो चीज़ यहाँ पे है और वो हमने देखी आज ग्रिड स्टेशन के अंदर, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जी जी सर, ओके थैंक यू। चलो अभी इनसे और भी बात करेंगे, फिलहाल लेट हो रहे हैं, व्हीकल जो है हमें दूसरे साइड की तरफ लेने के लिए बाहर खड़ी है, चलते हैं अब। तो यहाँ से होके हम आ चुके हैं रोड पे, व्हीकल्स लगी हैं, निकलते हैं अब। हाल काजीकुंड टनल के बीच से हम गुजर के काजीकुंड वाले एंड पे पहुंच चुके हैं। इस टनल की अगर टोटल लेंथ की बात करेंगे तो 8.45 किलोमीटर्स है जो कि तकरीबन 16 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिड्यूस करता है। अगर हम कंपेयर करें इसको ओल्ड टनल जौहर टनल के साथ, तो ओल्ड टनल से गुजर के अगर जाना होता हमें कश्मीर वैली की तरफ तो हमें 16 किलोमीटर का और सफ़र करना था, लेकिन जब से ये वाली टनल कंस्ट्रक्ट हुई है जिससे होकर हम अभी यहाँ पहुँचे हैं काजीकुंड एरिया में, तो इसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से टोटल 16 किलोमीटर का जो सफ़र है वो रिड्यूस हो गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि तकरीबन आधे से घंटे से 40 मिनट तक का जो सफ़र है वो कम हो जाता है। तो अभी के लिए हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं काजीकुंड से थोड़ा आगे और हमें एक इंडस्ट्रियल एरिया में जाना है, वहाँ पे हम सेकंड विज़िट करने वाले हैं। पहला विज़िट यहाँ तक हमारा रहा है, आपने पीछे देख ही लिया, तो सेकंड विज़िट में क्या कुछ स्पेशल होगा, बने रहेगा व्लॉग।